वेलकम स्टूडेंट्स, आपका इंजीनियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज फिर से हम अपना थर्ड लेक्चर करेंगे पॉलिटी का। मैंने जहां तक आपको कल पार्लियामेंट तक का ओवरव्यू दिया था, आज मैं उसी का एक कंपोनेंट जो है पार्लियामेंट का एक पार्ट है प्रेसिडेंट, उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो जो भी आज हमारा टॉपिक रहेगा वो मोस्टली प्रेसिडेंट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सो, अब हम प्रेसिडेंट पे बात करेंगे। अब हम पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ओवरव्यू दिया लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, लोकसभा के इलेक्शन के बारे में, राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उन्होंने पढ़ा लिख रखा होगा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चिल मारो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नो डाउट वो है, बट आप अंडरस्टैंड करो कि कैसे, उस क्लासिफिकेशन की डिटेल्स में मत जाओ। फिर तो आप लोग यार एग्जीक्यूटिव करना है, ये करना है, वो करना है, याद भूलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चार इसके मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको समझो, वो अपने आप समझ आ जाएंगे आपको कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि बेसिकली पहले मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट है, तो मैं इसका रीजन भी बता देता हूं कि ऐसा प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट क्यों रखा गया। दो हाउसेस थे ना, तो प्रेसिडेंट को पार्ट क्यों रखा गया, अलग पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, जरूरी क्या थी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट की। बेटा, जरूरत ये थी कि हमारे यहां पे कोई भी जो बिल मतलब जब लॉ बनाना होता, कोई एक्ट बनाना हो ना, उसको जब हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ना बेटा, तो उसे बिल कहते हैं। हमारे यहां पे कोई भी जो बिल है जब वो हाउसेस से पास हो जाएगा, जैसे मान लो कि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने, वो बिल लोकसभा से अप्रूव हुआ, फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी अप्रूव होगा, बट जब तक उस पे एंड में जब तक उसके प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होंगे, प्रेसिडेंट की यस नहीं होगी, तब तक वो बिल एक्ट में नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी लॉज हैं वो कहां बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, ये क्लियर है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, बट जब तक प्रेसिडेंट की असेंट ना हो तो वो लॉ नहीं बन सकता। तो इसलिए याद रखना कि प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है, क्योंकि जब तक ये साइन ही नहीं करेगा, प्रेसिडेंट साहब साइन ही नहीं करेंगे, तो लॉ कैसे बनेगा, क्लियर है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन पूरा फंक्शन कैसे कंप्लीट हो, क्लियर है, समझ आ रहा है। अभी देखते हैं, यहां पे एक फंक्शन है बेटा विटो पावर, ये आपने सुना होगा, विटो बड़ा सुना होगा आपने, विटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है बेटा, मान लो कि प्रेसिडेंट साहब के पास कोई बिल गया, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई बिल गया, बिल कहां से जाएगा, हमारे और आपके घर से नहीं, मतलब पार्लियामेंट से बिल गया, लोकसभा से गया या राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से अप्रूव होके बिल गया किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास, किस लिए, वो बिल को एक्ट बनाने के लिए, अप्रूव होने के लिए बिल गया, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर होती है विटो की, वो यूज कर सकते हैं उसके लिए, और समझते हैं वो कौन कौन सी पावर है, उसका क्या मतलब है। पहली जो विटो की पावर है बेटा, वो है एब्सोल्यूट विटो। एब्सोल्यूट विटो में क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट विटो में क्या कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट अपने एब्सोल्यूट विटो को यूज करते हैं, तो प्रेसिडेंट सीधा कह देते हैं कि आपके बिल को मैं नामंजूरी देता हूं, जो आपने मेरे पास बिल लाया, इस बिल को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ये बिल अब डेड है, ये बिल खत्म हो जाएगा। नो मोर बिल, वो बिल नहीं रहा। अगर वो बिल फिर से पास कराना है तो पार्लियामेंट में फिर से उसको स्टार्ट करवाना पड़ेगा, वो बिल खत्म हो गया, ठीक है। जो बिल प्रेसिडेंट के पास आया था, प्रेसिडेंट ने अपनी एब्सोल्यूट विटो को यूज किया और उस बिल को खत्म कर दिया, क्लियर है, नो मोर बिल, बिल इज डेड नाउ। आई होप क्लियर। अगला आता है बेटा सस्पेंसिव विटो। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं कि बिल को मैं रिजेक्ट करता हूं, मेरे पास आपने जो बिल भेजा है मैं आपके पास वापस भेज रहा हूं, इस बिल को देख लो,
या इस बिल में ये करेक्शन कर लो, मैं बिल आपके पास वापिस भेज रहा हूं, रिजेक्टिंग बिल। जब बिल एक बार वापिस आ जाए बेटा, फिर वो पार्लियामेंट की मर्जी है कि क्या इस बिल को हम फिर से भेजें कि ना भेजें। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बिल को फिर से भेज सकती है प्रेसिडेंट साहब के पास, और जब बिल दूसरी बारी प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, उनको वो बिल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो बिल रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस बार नहीं कह सकते कि ये बिल अपने पास रखो फिर से देखो एक बार, इस बार नहीं कह सकते, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये हो गया सस्पेंसिव विटो। तीसरा आ गया बेटा पॉकेट विटो। इस केस में क्या है बेटा, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो ना ही बिल को अप्रूव कर रहे हैं, ना ही बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना वो बिल को यस बोल रहे हैं, ना वो बिल को नो बोल रहे हैं। बिल इज लाइंग पेंडिंग विद प्रेसिडेंट, कि बिल जो पड़ा है वो पेंडिंग है। पेंडिंग विद प्रेसिडेंट, कि जो बिल है वो प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा है और पेंडिंग स्टेट में है। उस समय ना ही वो बिल को एक्सेप्ट किया गया है, ना ही बिल को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बेटा विटो का केस। ठीक है, और इलावा केस क्या हो सकता था कि हमारे प्रेसिडेंट साहब सीधे जैसे बिल आ रहा है उसको यस बोल दें, वो एक्ट में बन जाएगा। ठीक है, तीन सिनेरियो बनते हैं, जहां तो बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे ही बिल आया उसको यस किया, एक्ट बन गया। ठीक है, जब फिर क्या अपनी विटो का यूज करें, जब फिर क्या बेटा अपनी विटो का यूज करें, और विटो किस तरह की बताई मैंने आपको, तीन तरह की, एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंसिव विटो और पॉकेट विटो। ठीक है बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां पे कौन सा सिस्टम है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रियल हेड कौन है बेटा, प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड। अब इस हिसाब से तो प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी कर जाएंगे, यहां पे रिजेक्ट कर दिया बिल, बिल को वापस भेज दिया, बिल डेड डिक्लेयर कर दिया और पेंडिंग कर। ठीक है बेटा, बस याद रखना कि जो ये एब्सोल्यूट विटो है, जो हमें लग रहा है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, ये एब्सोल्यूट विटो भी प्रेसिडेंट कभी यूज कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो, तब तक प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट विटो का यूज नहीं कर सकता। वो किसी बिल को डेड नहीं बोल सकते जब तक किसकी एडवाइस ना हो, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। समझ आ रहा है आपको मेरी बात, क्लियर हो रही है? जो सस्पेंसिव विटो है बेटा और पॉकेट विटो है, ये दोनों जो विटो है बेटा, ये रियली प्रेसिडेंट की पावर है, ये रियली प्रेसिडेंट की पावर है। सस्पेंसिव विटो में भी प्रेसिडेंट कितनी बार रिजेक्ट कर सकता है, ओनली वन टाइम। बट दिस पॉकेट विटो, ये बहुत ज्यादा बड़ी पावर है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं मेंशन ही नहीं है कि जब एक प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल जा रहा है तो उसको कितनी देर में अप्रूवल देना है या रिजेक्शन देना है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, उस बिल को लेके अपने टेबल पे रख सकते हैं, और उनसे अगर कोई पूछेगा तो वे कह सकते हैं हाँ मैं जल्दी दे दूंगा। कोई कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं है, कोई एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। तो ये क्या है, इनकी ट्रू डिस्क्रिशन, ट्रू डिस्क्रिशन, कि इनको पता है, इनकी मर्जी है कब करना है कब नहीं करना। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो एक चीज सोचो, ये एब्सोल्यूट विटो है, ये कब है, कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे कि इस बिल को डेड कर दो, इस बिल को खत्म कर दो। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर भी तो लोकसभा का है या राज्यसभा का है, पार्लियामेंट का है बेसिकली, तो उनके पास तो पार्लियामेंट मेजोरिटी है। अगर उनका मन ही नहीं होता इस बिल का, इस बिल को खत्म ही कराना होता, तो वो एक्सेप्ट ही क्यों होने देते, पार्लियामेंट से अप्रूव ही क्यों होने देते।
अगर उन्होंने बाद में एडवाइस ही देनी थी कि इस बिल को डेड कर दो, तो उन्होंने पार्लियामेंट से ही अप्रूव कैसे होने दिया? थोड़ा है ना सोचने वाली बात, समझ आ रहा है? सोचने वाली बात है ना। जस्ट मैं अब आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, शायद फिर आप रिलेट कर सको। जस्ट इमेजिन एक गवर्नमेंट का लास्ट डे था पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को पता था कि अगली बारी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे खिलाफ काफी लोग हैं, मुझे नहीं लगता मुझे सपोर्ट मिलेगी वोटिंग की, तो मैं हार जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ बड़ी उम्मीद होती है, कुछ एक पर्टिकुलर बिल होता है जो उनके दिल के पास होता है, जो उनको अप्रूव कराना होता है। तो वो क्या करते हैं कि जिस दिन उनका लास्ट डे होता है उस दिन वो पार्लियामेंट से अप्रूव करा देते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट से अप्रूव करा दिया, प्रेसिडेंट साहब के पास चले गया। अब प्रेसिडेंट साहब की अपनी मर्जी है, वो करें कि ना करें। सपोज प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव नहीं किया, प्रेसिडेंट साहब ने वो बिल पेंडिंग रखा, न्यू गवर्नमेंट आती है, न्यू गवर्नमेंट आती है, न्यू प्राइम मिनिस्टर आते हैं, न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, जो उस बिल के पहले ही खिलाफ थे। तो वो क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि साहब इस बिल को रिजेक्ट कर दो, मैं आपको एडवाइस देता हूं। तो तब हमारे प्रेसिडेंट साहब कौन सा वीटो यूज करेंगे बेटा? एब्सोल्यूट वीटो। आई होप ये क्लियर है। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर बेटा प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि जब उनके पास बिल आ रहा है तो उस बिल को वो कैसे देख सकते हैं। अगर उनका मन है यस तो वो एक्ट बन जाएगा, अगर उनका मन नहीं है यस बोलने का तो वो अपना विटो यूज कर सकते हैं, जिसमें तीन केसेस मैंने बताए, एब्सोल्यूट विटो, सब्सटेंशियल विटो और पॉकेट विटो। आई होप क्लियर, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डिनेंस पे, बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है ऑर्डिनेंस। बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या है बेटा? सबसे पहले बेसिक में आ जाओ, बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिकली लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाता है लॉ। हमारी कंट्री के लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है जो सेंटर के लिए लॉ बना रहा है? दैट इज पार्लियामेंट। बट आपको पता है पार्लियामेंट 365 डेज सेशन में नहीं रहता, बीच में रिसेस पीरियड आता है, जब एमपीज अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम देख रहे होते हैं, उन्हीं से लाइसेंस निकल के एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, मिनिस्ट्री देख रहे होते हैं। वो जो टाइम है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर तब कोई लॉ बनाना पड़ जाए, मान लो कि कुछ ऐसी बात आ जाए कि कल इनको किसी एक पर्टिकुलर चीज पर लॉ बनाना है, तो क्या करेंगे ये? क्या बोलेंगे कि पार्लियामेंट शुरू करो? पार्लियामेंट में 545 एमपीज कहां कहां से आएंगे? कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई नॉर्थ में है, टॉप पे है, लद्दाख में है, वहां से अगर सभी एमपीज को बुलाएंगे, फिर डिबेट करवाएंगे, फिर प्रोसेस शुरू करवाएंगे, बिल पास करवाएंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब की मोहर लगवाएंगे, तो टाइम लग जाएगा। बट क्या पता कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लॉ जल्दी चाहिए, उस लॉ के बिना काम नहीं बन रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखा गया है, वो प्रोविजन ये कहता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब हमारे मिनिस्टर्स हैं, समझ गए, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो लॉ बना सकते हैं। जो लॉ बनाना काम किसका है बेटा? लेजिस्लेटिव ऑर्गन का है। वो काम उस समय हमारे एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं और उस लॉ को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। वो लॉ कौन बना रहा है? बेसिकली मिनिस्टर्स बना रहे हैं, बट उस लॉ पे एंड में मोहर किसकी लगती है? प्रेसिडेंट साहब की मोहर लगती है। तो हम इसलिए क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर दिया, कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया है। ये कब तक वैलिड रहता है बेटा? ये तब तक वैलिड रहता है जब तक पार्लियामेंट दोबारा सेशन में ना आए। जब पार्लियामेंट एक बार सेशन में आ गया दोबारा, तो उसके बाद ये खाली 6 वीक्स तक वैलिड रहेगा, 6 वीक्स तक वैलिड रहेगा। उसके बाद 6 वीक्स के बाद ये ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, वो जो लॉ बनाया गया था एग्जीक्यूटिव द्वारा वो खत्म हो जाएगा। अगर खत्म नहीं करना तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो उस लॉ को अप्रूव करके लॉ पास कर देगी हमारे लेजिस्लेटिव ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस तब किसकी फॉर्म ले लेगा? प्रॉपर लॉ की फॉर्म ले लेगा। आई होप आपको ऑर्डिनेंस समझ आया होगा। ऑर्डिनेंस बेसिकली एग्जीक्यूटिव की पावर है जो प्रेसिडेंट के थ्रू यूज होती है। इस पावर में क्या है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब हमारे लेजिस्लेटिव जो हमारी पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है और हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई पर्टिकुलर लॉ बनाना है, तो एग्जीक्यूटिव लॉ बना सके। ये लॉ की नेचर कैसी है? टेम्परेरी नेचर लॉ है। कब तक रहेगा?
जब तक पार्लियामेंट दोबारा नहीं मिलती। जब पार्लियामेंट दोबारा मिल गई उसके 6 हफ्ते के बाद ये लॉ खत्म हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर ये लॉ को आगे बढ़ाना है तो इस लॉ को क्या करा जाएगा, पास करा दिया जाएगा। पार्लियामेंट से पास हो गया तो लॉ बन गया, अगर पास नहीं हो पाया तो लॉ खत्म हो चुका, ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। क्लियर? ये हमारा बेटा पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72। एक और बात बताना चाहूंगा, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बड़े सारे आर्टिकल्स होंगे, मेंशन होंगे बुक्स में, टेंशन मत लेनी आर्टिकल की इतनी, ठीक है? सभी आर्टिकल याद करने को नहीं होते हैं। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड पे लिख रखे हैं वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और बाद में कुछ आर्टिकल में से जो छूट गए होंगे वो भी आपको बता दूंगा। मेन जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाले आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के हैं, वो जब आगे आएंगे तो हम साथ साथ करेंगे। बाकी कुछ जो बता रहा हूँ साथ साथ में वही याद रखें, सभी आर्टिकल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। खुद बता दूंगा मैं बाद में कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और जब आप एक दो बारी रिवाइज करोगे आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ यार ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। तो इसलिए आर्टिकल की चिंता मत करना, कंसेप्ट समझो। एक बार कंसेप्ट समझ लो, बुक रीडिंग करोगे, क्वेश्चन लगाओगे ना, खत्म बात। मेन सबसे बड़ा हमारा जीएस को जो आगे निकलने का प्रोसेस है ना वो यही है बेटा, बेसिक कंसेप्ट को ग्रैब करो। एक बार बेसिक कंसेप्ट ग्रैब हो गया ना उसके बाद क्या है कि अपने क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? अपने क्वेश्चंस कैसे लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट पेपर्स के आते रहते हैं, जीएस के हजारों के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, वो लगाओ, सफिशिएंट काम बन जाएगा। चलो अभी आ जाओ वापस टॉपिक पर। पार्डनिंग पावर क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर दी गई है कि अगर किसी बंदे से वो कोर्ट से पास हो जाए, जुडिशियल सिस्टम देख चुका है, सब चीजें देख चुका है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब देख चुका है, उसके बाद भी उसके पास एक चांस बचता है कि वो प्रेसिडेंट को अप्रोच करे और वहां जाके मर्सी के लिए बेग करे कि सर मेरे से ये गलती हो गई थी, वो गलती इस कंडीशंस में हुई, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ इसकी बात जेन्युइन है तो प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर के डिफरेंट टूल्स को यूज करके उसकी हेल्प कर सकता है। तो आओ हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स। पहला है बेटा पार्डन, सीधा पार्डन कर देना। पार्डन करने से क्या है बेटा कि नो कन्विक्शन नो सेंटेंस। कि दो तरीके होते हैं, बताता हूं बेटा, दो चीजें होती हैं, एक होती कन्विक्शन एक होती सेंटेंस। कन्विक्शन ये कि हां तुमने जुर्म किया, सेंटेंस ये कि उस जुर्म की ये सजा है, ठीक है? जब प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर दे तो मतलब उसको कन्विक्शन भी माफ कर दी गई कि उस बंदे ने वो जुर्म किया ही नहीं था। सजा तो छोड़ो, उसने वो जुर्म ही नहीं किया था, उसको बाइज्जत बली किया जाता है, उस बंदे ने वो जुर्म किया ही नहीं था, इसलिए उसकी कन्विक्शन भी खत्म हो गई, वो किसी चीज के लिए कन्विक्टेड ही नहीं है, इसलिए सेंटेंस तो क्या होगी। ये इंसान को उसी पोजीशन पे ले जाता है जो वो पहले था, क्राइम से पहले था, जो भी उसकी प्रॉब्लम आई थी उससे पहले, ये उसकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो एकदम खत्म कर देगा। अगर वो उसको फांसी तक लगने वाली होगी, डेथ सेंटेंस तक होगी किसी एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए, अगर उसे पार्डन पावर मिल जाता है तो उसका डेथ सेंटेंस खत्म हो जाता है, उसका वो जुर्म ही नहीं माना जाएगा कि इस इंसान ने वो कभी क्राइम किया था। समझ आ गया? पार्डन कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकता है। इसी में दूसरा टूल हमारा है कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन का, कम्यूटेशन में क्या बेटा, चेंज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि जो पनिशमेंट की फॉर्म है उसको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को फांसी की सजा मिली हो और वो प्रेसिडेंट के सामने जाए और मर्सी के लिए बेग करे और बोले कि सर फांसी की सजा काट के कुछ और दे दो, और प्रेसिडेंट उसे क्या बोले कि ठीक है तू खुश रह, फांसी के बदले तू उम्र कैद दे ले। ये जो चेंज हुई फॉर्म की, पहले फांसी थी हैंग टिल डेथ, अब क्या है बेटा लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये चेंज होगी ना पनिशमेंट की फॉर्म, वो कौन सा हो गया बेटा? कम्यूटेशन। अगर आप न्यूज देखते होंगे ये बहुत अभी चल रहा था, प्रेसिडेंट के पास बार बार जा रहे थे कन्विक्टेड लोग
निर्भया कन्विक्टेड लोग जा रहे थे मर्सी मांगने के लिए कि हमारी जो डेथ सेंटेंस है उसको चेंज करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दो, बट उनका क्राइम इतना हीनियस था कि प्रेसिडेंट उनको मर्सी नहीं दे पाए। अब बात करता है रिमिशन, तीसरा जो हमारा टूल है बेटा रिमिशन। रिमिशन में क्या बेटा कि अगर किसी को 7 साल की सजा हुई है, उसके एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए 7 साल की सजा हुई है, और वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है और बोलता है कि सर 7 साल बहुत ज्यादा है, इतनी मेरी गलती नहीं थी, उससे मैं सिचुएशन ऐसी बन गई, प्लीज मेरी हेल्प करिए, तो प्रेसिडेंट उसकी 7 साल की सजा को 2 साल में कन्वर्ट कर सकता है, जब 1 साल में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है सेंटेंस का उसको कम कर, वो कुछ भी हो सकता है, 8 साल की सजा 2 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम नंबर, बस क्या फर्क है बेटा कि उसका जो टाइम पीरियड है वो बेटा लेस हो रहा है। तो प्रेजेंट क्या यूज कर रहा है, रिमिशन यूज कर रहा है, रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या कहता है बेटा कि यहां पे जो पनिशमेंट दी गई है उसको लेस हार्श किया जाए। लेस हार्श मतलब आपने सुना होगा कई लोगों को कहा जाता है कि जेल में जाओ और दिन रात चक्की पीसो, जेल में जाके काम करो, वहां जाके आपसे काम करवाया जाएगा। बट कोई ऐसा इंसान है जो उसे लगता है कि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसे जेल के अंदर रहना भी है और ऊपर से काम भी करना है, तो वो जा सकता है और बोल सकता है कि सर मेरे से ये काम नहीं होगा, प्लीज मुझे लेस हार्श पनिशमेंट दीजिए। टाइम पीरियड वही रहेगा, 7 साल की सजा 7 साल ही रहेंगे, बट अगर 7 साल लिखा है कि आप 2x2 के कमरे में रहोगे, तो अब वो किस में रहेगा, नॉर्मल रूम में रहेगा, उसे लेस हार्श कर दिया जाए। क्लियर है, समझ आ रहा है? अब बेटा ये लास्ट आ गया हमारा रिप्राइव। अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें जो भी पनिशमेंट मिली है उसको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे डाल दिया जाता है, उसे थोड़ी देर के लिए स्टे लगा दिया जाता है, उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई थीफ है, एक कोई चोर है, उसको सजा मिली है कि उसने बाइक चोरी की थी कुछ टाइम पहले, उसके लिए 2 साल के लिए अंदर जाना है, बट जो चोर है, जो थीफ है, वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है और बोलता है कि सर मैं चले तो जाऊंगा सर 2 साल के लिए अंदर, बट सर मेरी परसों शादी है, जस्ट मेरी शादी होने वाली है, सर अगर मैं आज अंदर चलेगा मेरी शादी नहीं होगी, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कहेंगे इसको कि चलो ठीक है, इसकी पनिशमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, उसे 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे कि हां भाई तू 1 हफ्ते के बाद चले जाना, उसकी जो पनिशमेंट थी उसको उसी समय रोक दिया जाएगा। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, ये हम मोस्टली कहां देखते हैं, हम जब डेथ की हमें सेंटेंस मिलता है, जब डेथ सेंटेंस मिलता है तब मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि सर हमें बस कुछ दिन की मोहरत दीजिए, हम आपकी डेथ सेंटेंस की रिस्पेक्ट करते हैं, बट प्लीज हमें कुछ दिन के लिए जीने दीजिए, फिर हम डेथ सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है रिप्राइव, कि जहां पे जो भी सेंटेंस है उसको कुछ देर के लिए स्टे कराया गया है। आई होप आपको क्लियर है, ये 5 क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। रिमिशन क्या है, टाइम पीरियड कम करेगा, अगर 7 साल की सजा 2 साल। कम्यूनिशन क्या, चेंज इन फॉर्म, सी 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 से सी याद रखना, चेंज इन फॉर्म, पहले अगर फांसी की सजा थी अब लाइफ इंप्रिजनमेंट है। रिप्राइव क्या बेटा कि कुछ टाइम के लिए कन्विक्शन पे सेंटेंस पे स्टे लगेगा, ठीक है, कि अगर आपको कल जाना था तो आप थोड़े 1-2 दिन बाद रुक के जा सकते हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टे लग जाएगा आपकी सेंटेंस में। पार्डन में क्या बेटा, आपने कुछ किया ही नहीं, पार्डन में ऐसा आएगा कि कुछ नहीं किया था आपने कभी, आप जाओ, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है गलत, आप खुले जाओ, कोई इशू नहीं है। फिर आ गया बेटा रेस्पाइट, कि लेस हार्श करना, पनिशमेंट को थोड़ा हम कम हार्श करेंगे, ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया इसमें सभी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, ये पार्टनिंग पावर में ये वर्ड्स हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, याद भूल जाते हैं। तो आज हम इतना ही टॉपिक रखते हैं अपना, इसमें अभी इंपीचमेंट वगैरह बची है, रिमूवल बचा है और कुछ और अपॉइंटमेंट्स बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी आना शुरू हो गया होगा अपने थॉट्स में और अपनी इंडियन पॉलिटी को जब अप्रोच करते थे।
तो जैसे भी है, अगर आपको हम पे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम भी अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं। हम भी आपकी जो भी सजेशंस आएंगी उनको अप्रिशिएट करेंगे और चाहेंगे कि वो हम अपने आप में अडॉप्ट करें। सो प्लीज आपको जो भी हमें लगे तो प्लीज हमें बताइएगा। बाकी हमारी रूटीन बनी रहेगी ऐसी, हम आपको डेली लेक्चर देते रहेंगे, जो भी आपकी हेल्प होगी हमारी तरफ से हम करते रहेंगे। थैंक यू।